Hi everyone, I'm Neha Singh and I welcome you all in my YouTube channel Math Concepts and Practice. So this is the part 8 for chapter number 1, Knowing Our Number. Okay, इससे पहले last part में, part number 7 में हमने exercise 1.3 को complete किया था. आज part 8 इस chapter का last video है. इसके बाद हम next video से हम start करेंगे chapter number 2, that is the whole number. Okay, so let's come to the today's topic, that is the Roman numbers. Okay, so Roman numbers क्या होते हैं? Roman numbers Hindu Arabic number system जो कि हम जानते हैं, उसी की तरह एक number system होता है, right? System होता है जो कि Hindu Arabic number system की तरह ही काफी पुराना है. Hindu Arabic number system कौन सा? जिसमें हम 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से नंबर्स को यूज करते हैं, यानी कि जो हम फॉलो करते हैं, दैट इज द हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम. रोमन नंबर सिस्टम ये जिसमें इस तरीके से 1, 2, 3 को डिनोट किया जाता है. ठीक है, आप इस टेबल में 1 के जो करस्पॉन्डिंग नोटेशन देख रहे हैं, ये 1 रिप्रेजेंट करता है रोमन नंबर्स का, 2 के करस्पॉन्डिंग जो नंबर है वो 2 रिप्रेजेंट करता है, एंड सो ऑन. तो जो ऊपर वाली रो के सारे नंबर्स हैं वो कौन सा नंबर सिस्टम बताते हैं? रोमन नंबर सिस्टम. रोमन नंबर सिस्टम, राइट? और दोनों ही काफी पुराने नंबर सिस्टम्स हैं. अब इनको हम फॉलो कहाँ करते हैं, कहाँ देख सकते हैं? तो जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, पिक्चर में एक टाइम टेबल बना हुआ है, एक टाइम टेबल है. ओके, तो कई बार टाइम टेबल में हम पीरियड्स को किससे डिनोट करते हैं? रोमन नंबर से. जैसे फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड. फोर्थ पीरियड के बाद रिसेस हो गया, रिसेस हो गया. ओके, उसके बाद आ गया फिफ्थ पीरियड, फिर सिक्स्थ पीरियड एंड सेवेंथ पीरियड. हमने हर पीरियड के नंबर को किसमें डिनोट किया है? रोमन नंबर में, राइट? इस तरीके से हम इन्हें देख पाते हैं. और दूसरा, कई बार हम क्लासेस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? क्लासेस को भी हम रोमन नंबर्स में करके दिखाते हैं. फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, राइट, थर्ड क्लास, और आपकी क्लास, सिक्स्थ क्लास, एंड सो ऑन. ओके, तो टाइम टेबल में देख सकते हैं, क्लासेस के लिए देख सकते हैं, और कहाँ देख सकते हैं? एक लेफ्ट साइड में आपको सर्कल दिखाई दे रहा है, इसको अगर हम एक क्लॉक बना दें या वॉच बना दें, तो कई बार इसमें भी हम रोमन नंबर्स में रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं. जैसे यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 3 होता है, राइट, यहाँ होता है 6 और यहाँ होता है 9. कई क्लॉक्स और वॉचेस में इस 12 को रोमन नंबर्स में रिप्रेजेंट किया जाता है. ओके, आई एम श्योर आपने देखा होगा. और 3 को, ये 3 रोमन नंबर वाले 3 से रिप्रेजेंट किया जाता है. 6 को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट, और 9 को इस तरीके से. ओके, थोड़े से नंबर्स और देख लेते हैं क्लॉक में. जो 12 के बाद आता है कौन सा? यहाँ पे 1 कैसा होता है? कुछ इस तरीके का. अंदर ही बना ले इसको, चलिए अंदर ही बना लेते हैं. फिर उसके बाद आता है 2, 3 ऑलरेडी हम शो कर चुके हैं. उसके बाद आएगा 4, फिर आता है 5, 6 ऑलरेडी है. नेक्स्ट आ जाएगा 7, फिर आ जाएगा 8. ओके, और 9 ऑलरेडी हम देख चुके हैं. उसके 9 के बाद आएगा 10, फिर 11, देन 12. ओके, तो इस तरीके से हम रोमन नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं. और कुछ एग्जांपल्स भी हमने देखे कि टाइम टेबल के लिए, क्लासेस के लिए, ओके, और क्लॉक के लिए, क्लॉक या वॉच के लिए भी हम इस तरीके से, क्लॉक या वॉच में भी इस तरीके से नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, हम रोमन नंबर यूज करते हैं. ओके, सो लेट्स कम टू द रूल्स फॉर रोमन नंबर्स. रूल्स क्या फॉलो करते हैं रोमन नंबर्स? चलिए फर्स्ट रूल डिस्कस करते हैं, दैट इज द इफ अ सिंबल इज रिपीटेड इट्स वैल्यू इज एडेड एज मेनी टाइम्स इट अकर्स. ओके, ये क्या कह रहे हैं? अगर कोई सिंबल रिपीट हो रहा है,
रिपीट हो रहा है तो उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जितने टाइम वो सिंबल रिपीट हो रहा है उसे ऐड कर देंगे। लाइक अगर हम थर्ड की बात करें, थर्ड में क्या हुआ, इसकी वैल्यू क्या थी, वन, इसकी वैल्यू वन और इसकी वैल्यू भी वन थी। ओके तो क्या हुआ, वन प्लस वन प्लस वन, इसने क्या बनाया, थ्री, राइट। इसी तरीके से अगर हमारे पास एक और नंबर है इस तरीके से, यहाँ पे x थ्री टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, यानी कि x प्लस x प्लस x, और x की वैल्यू क्या थी अभी हमने देखी, दैट इज 10 प्लस 10 प्लस 10 30, यानी कि ये जो तीन बार x है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 30 को। तो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि इफ अ सिंबल इज रिपीटेड, अगर कोई सिंबल रिपीट हो रहा है इट्स वैल्यू इज एडेड, इसकी वैल्यू एड हो जाती है एज मेनी टाइम इट अकर्स, जितनी बार भी ये आ रहा है नंबर में उतने टाइम्स इसकी वैल्यू रिपीट होती है, यानी कि अगर थ्री टाइम्स आ रहा है तो थ्री टाइम रिपीट होगी, अगर टू टाइम आएगा तो टू टाइम रिपीट होगी, यानी कि x प्लस x हो जाएगा और ये नंबर क्या हो जाएगा, 10 प्लस 10 और बन जाएगा 20। ओके सो लेट्स कम टू द पार्ट, रूल नंबर बी, सेकेंड रूल। ओके रूल सेकेंड क्या कह रहा है कि अ सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन थ्री टाइम्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके तो ऐसा नहीं है कि किसी भी सिंबल को हम 5, 6, 7, 8, 9 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, नो, हम केवल 3 टाइम्स सिंबल को रिपीट कर सकते हैं। दूसरी बात इसमें क्या है, बट द सिंबल वी एल एंड डी आर नेवर रिपीटेड, यानी कि वी एल और डी को हम रिपीट नहीं करेंगे, दो बार भी रिपीट नहीं करेंगे, ओके, एक बार भी रिपीट नहीं करेंगे, केवल एक ही बार ये नंबर्स आएंगे और वो और जो नंबर है उनको थ्री टाइम्स से ज्यादा रिपीट नहीं करेंगे, राइट। सो अब आते हैं हम अपने थर्ड रूल पे, इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द राइट ऑफ अ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, इट्स वैल्यू गेट्स एडेड टू द वैल्यू ऑफ ग्रेटर सिंबल। ओके तो ये क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास जैसे हमें सिक्स ही पता है, सिक्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको अभी हमने देखा कि ये क्या है, एडिशन होता है बेसिकली, ये क्या होगा 5 प्लस 1, राइट, इसकी वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू 1 है, ये क्या बन जाएगा 6, यानी कि इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं कि अगर बड़ी वैल्यू लेफ्ट साइड में है, ग्रेटर वैल्यू लेफ्ट साइड में है और स्मॉलर वैल्यू राइट साइड में है, तो हम दोनों वैल्यूज को एड करते हैं और रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं। जैसे यहाँ पे V और I जो भी रिप्रेजेंट कर रहे थे 6 को, तो हमने क्या किया, दोनों को ऐड किया और वो क्या बन गया 5 प्लस 1, और फाइनल रिजल्ट मिला 6। सिमिलरली अगर मैं बात करूं एक और नंबर की, ये वाला, राइट, तो इसमें भी क्या होगा, ये बिगर है, ये बिगर नंबर है रोमन नंबर का और ये स्मॉलर है, इसमें भी क्या करना पड़ेगा, हमें ऐड करना पड़ेगा x प्लस या 10 प्लस 1, यानी कि 10 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 11। ओके तो क्या कह रहे हैं, इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द राइट ऑफ अ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, इट्स वैल्यू गेट्स एडेड टू द वैल्यू ऑफ ग्रेटर सिंबल। ओके सो लेट्स कम टू द डी पार्ट। डी पार्ट में हमें क्या रूल बताया गया है, इफ अ सिंबल of a smaller value is written to the left of a symbol of greater value, its value is subtracted from the value of greater symbol, right? अब ये जो rule है ये C का एकदम opposite हो गया। इसमें क्या हुआ कि अब जो greater value है वो right side में आ रही है और जो smaller value है वो left side में आ रही है। अब क्या होगा कि इसमें right side की value से greater और ये स्मॉलर, ओके तो अब क्या होगा, ये ग्रेटर या राइट साइड की वैल्यू से लेफ्ट साइड की वैल्यू या स्मॉलर वैल्यू माइनस हो जाएगी, राइट तो क्या होगा, v माइनस या 5 माइनस 1, ये बन जाएगा 5 माइनस 1 विच विल बी इक्वल टू 4। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल लाइक
ठीक है, ये एक नंबर है, इसमें भी क्या हो रहा है, ये ग्रेटर वैल्यू है, ओके, और ये स्मॉलर वैल्यू है, तो क्या होगा, हम करेंगे 10 माइनस 1, जो क्या बनेगा, 9, ओके, इज इट क्लियर? सो क्या कहा इस पार्ट ने, इस पार्ट ने सी का अपोजिट हमें दिया, सी में बताया था कि अगर स्मॉलर वैल्यू राइट साइड में है तो वो ऐड होगी, और डी में बताया कि अगर लेफ्ट साइड में है तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ओके, सो लेट्स कम टू द ई पार्ट, ई पार्ट में कह रहे हैं द सिंबल्स वी एल एंड डी आर नेवर सब्ट्रैक्टेड, तो जो सिंबल है वी एल एंड डी कभी भी सब्ट्रैक्ट किसी नंबर से नहीं होंगे, और वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं वो हम नीचे अभी टेबल डिस्कस करेंगे, तब एक बार चेक करेंगे, ओके, सो दो चीजें और इम्पोर्टेंट है इसमें, ये कह रहे हैं कि द सिंबल 1 कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 एंड 10 ओनली, ओके, जो सिंबल 1 का जो सिंबल है रोमन नंबर में, रोमन नंबर के 5 और 10 से ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है, और किसी से सब्ट्रैक्ट नहीं होगा. नेक्स्ट जो ये बता रहे हैं, द सिंबल x कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम l, m एंड c ओनली, ओके, ये भी रोमन नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं, कौन से करेंगे वो अभी हम इस टेबल में चेक करेंगे, राइट, सो 10 को किस में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, l, m एंड c में से, तो जैसे कि हम टेबल में देख रहे हैं, l क्या होता है, l की वैल्यू कितनी है, 50, ओके, और c क्या रिप्रेजेंट करता है, 100, डी रिप्रेजेंट करेगा 500, एम क्या रिप्रेजेंट करेगा, 1000, ओके, सो रोमन नंबर सिस्टम में ये जो 7 नोटेशंस है या 7 रिप्रेजेंटेशन है, ये डिफरेंट नोटेशंस की तरह या रिप्रेजेंटेशंस की तरह हमारे पास अवेलेबल है, जिस तरीके से हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम में डिजिट्स होती हैं, जो डिफरेंट डिजिट्स होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, 10 डिजिट, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, और इन्हीं से मिला के हम सारे नंबर्स, कितने भी नंबर्स फॉर्म कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स, ओके, इसी तरीके से रोमन नंबर में ये 7 नंबर्स होते हैं जिनसे हम सारे नंबर्स बना सकते हैं, इन रूल्स को यूज करके, ओके, तो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 1 का नोटेशन ये 1, और 5 का नोटेशन ये वाला, और 10 कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से, 50 हमने पहले ही देख लिया L से, 100 को C से, और 500 को D से, और 1000 को M से, टोटल कितने हुए ये, डिफरेंट नोटेशन 7, जिनसे मिलाकर हम कई सारे रोमन नंबर्स बना सकते हैं, और उसके लिए हमें ये वाले रूल फॉलो करने होते हैं, ओके, सो कुछ प्रॉब्लम्स इसकी हम सॉल्व करते हैं रोमन नंबर्स की, जिससे थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, उससे पहले एक बार कंपेयर कर लेते हैं कुछ वैल्यूज को, जैसे लेफ्ट साइड में हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम में कुछ वैल्यूज दी हैं, उन्हीं के करस्पॉन्डिंग रोमन न्यूमरल्स में भी दिया है, मैंने इनको सेम कलर्स में रखा है जिससे कन्फ्यूजन ना हो, जैसे 10 की जो वैल्यू है रोमन नंबर्स में किस तरीके से शो होती है, ये वाले 20 इस तरीके से शो करते हैं, 30 को इस तरीके से, इसमें 3 × 10 ऐड हो जाएगा, अभी हमने रूल देखा 40 इस तरीके से, 40 कैसे बनाया इन्होंने, क्योंकि हम 3 से ज्यादा किसी भी नंबर को रिपीट नहीं कर सकते, तो 40 कैसे बनता है, हमारा जो एक और रूल था कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस होती है, और एल की वैल्यू क्या थी, 50, और इसकी वैल्यू क्या थी, x की 10, यानी 50 − 10 = 40, ओके, 50 की वैल्यू l होती ही है, 60 कैसे निकाला इन्होंने, 60 निकाला l की वैल्यू प्लस x की वैल्यू, क्योंकि l बड़ा था इसलिए बाद वाली छोटी वैल्यू इसमें ऐड कर दी, और ये बन गया 50 + 10, राइट, ये कैसे निकालेंगे, इनको भी ऐड करेंगे, l प्लस x प्लस x, और ये बन जाएगा 50 + 10 + 10, कितना हो गया 70, नेक्स्ट 80 पे आते हैं, ये बनेगा l प्लस x प्लस x प्लस x, ओके, तो किसी भी नंबर को 3 times से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते, इसलिए x अब इससे ज्यादा रिपीट नहीं हो सकता, और इसकी फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 + 10 + 10 + 10, और ये बन जाएगा 80, राइट,
थ्री टाइम्स से ज्यादा रिपीट तो नहीं कर सकते। अब हम 90 के लिए क्या करेंगे, 90 के लिए हमने क्या किया, ये जो सी 100 को रिप्रेजेंट कर रहा था इसके लेफ्ट साइड में एक्स को लिख दिया, और ये क्या बना देगा, क्योंकि ये छोटी वैल्यू है अब ये 100 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, यानी कि ये होगा सी माइनस एक्स और ये बन जाएगा 100 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 90, राइट। और सी तो 100 होता ही है जो हमने टेबल में देखा था अभी। सो दीज आर दी हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स एंड दीज आर दी रोमन न्यूमरल्स। ओके सो लेट्स कम टू दी सम प्रॉब्लम्स, लेट्स डू दी सम एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन रोमन न्यूमरल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल इज राइट इन रोमन न्यूमरल्स। तो ए पार्ट में 69 को हमें रोमन नंबर बनाना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन 69 को हम लिख सकते हैं क्या, 60 प्लस 9, राइट। और 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 50 प्लस 10, क्योंकि हमारे पास रोमन नंबर में 50 का रिप्रेजेंटेशन है, 10 का है। और 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, तो इसलिए यहाँ 9 ही रखते हैं। अब आ जाते हैं 60 के लिए हम क्या यूज करते हैं, एल लिखेंगे और राइट साइड में 10 लिखेंगे, ओके। प्लस 9 कैसे लिखते हैं रोमन नंबर में, इस तरीके से, और एडिशन में हम इनको साथ में लिख देते हैं। अब ये फाइनली जो नंबर बना है दिस इज दी 69। नाउ लेट्स कम टू दी 98। 98 कैसे लिख सकते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, 98 का मतलब है 90 प्लस 8, ओके। और 90 कैसे लिखेंगे हम क्या कर सकते हैं, 100 माइनस 10 प्लस 8, और 100 माइनस 10 को रोमन नंबर्स में या 90 को रोमन नंबर्स में किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे थे, इस तरीके से। इसका क्या मतलब है, ये जो 100 है इसमें से 10 को सब्ट्रैक्ट किया क्योंकि छोटी वैल्यू राइट साइड में है, 100 माइनस 10 हुई जो कि 90 बन गई, प्लस 8। 8 का हम सबको पता है ये रिप्रेजेंटेशन है रोमन नंबर्स में, इसलिए वैल्यू क्या हो गई फाइनल, दिस इज दी रोमन नंबर फॉर 98। सेकेंड क्वेश्चन, राइट द हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स ए पार्ट, ओके। तो इसमें ये वैल्यू दी है, इसमें हमें हिंदू अरेबिक न्यूमरल इसके लिए फाइंड आउट करना है, तो सॉल्यूशन निकालते हैं। कैसे स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, राइट। इसका क्या मतलब है, दिस प्लस दिस प्लस दिस, ओके। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 10 की वैल्यू कितनी होती है, 10, और इसकी वैल्यू होती है 4, टोटल कितना हुआ 24। दिस इज द हिंदू अरेबिक न्यूमरल फॉर गिवन नंबर, ओके। ये वाला सॉल्यूशन। नेक्स्ट सॉल्यूशन बी पार्ट, इसमें क्या कह रहे हैं हमें, ये रोमन नंबर दिया हुआ है और इसको हमें किसमें रिप्रेजेंट करना है, हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम में। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे एल प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 2, ओके। सो इसको भी प्लस कर लेते हैं एक बार और, ओके। सो ये क्या हुआ, 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 1 प्लस 1, फाइनली वैल्यू कितनी हो गई, 50 प्लस 10 60 प्लस 10 70 प्लस 10 80 81 एंड 82। दिस इज दी हिंदू अरेबिक न्यूमरल फॉर गिवन रोमन नंबर, ओके। लेट्स कम टू दी सम अदर एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन थर्ड, कंपेयर यूजिंग दीज साइंस, ओके। लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इन तीनों साइंस से हमें गिवन नंबर्स को कंपेयर करना है, ओके। तो ए पार्ट को सॉल्व करते हैं पहले। ए पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, एक्स सी की वैल्यू कितनी होगी, ये बड़ी वैल्यू है ये छोटी, रूल्स क्या होगा, सी की वैल्यू थी 100 और एक्स की 10, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में इसलिए माइनस होगी और ये बन जाएगा 90, राइट। और अगर इसकी बात करें एक्सएल की, तो ये क्या होगा, एक्सएल की वैल्यू कितनी होगी, एक्स भी छोट, यहाँ पे भी एक्स छोटा है और एल बड़ा है, एल की वैल्यू होती है 50 और एक्स की होती है 10, इसलिए माइनस करेंगे और ये बनेगा 40। तो एक वैल्यू हुई 90 और एक हुई 40, तो ग्रेटर कौन सा हुआ, 90, राइट। इसी तरीके से बी पार्ट को सॉल्व करेंगे। बी पार्ट जिसमें लिखा है ये रोमन नंबर, अब आ जाते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करें, 10 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 1, ओके। तो ये हुआ 10 प्लस 10 प्लस
प्लस फाइव प्लस वन प्लस वन, फाइनल वैल्यू कितनी हुई 25, 26, 27. नेक्स्ट सी की वैल्यू हम सबको पता है, सी क्या है 100. तो ये तो बहुत बड़ा हो गया, यानी कि सी यहाँ पे बड़ा है, राइट. नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर फोर. क्वेश्चन नंबर फोर में क्या कह रहे हैं, गिव द आंसर इन रोमन न्यूमरल्स. गिव द आंसर इन रोमन न्यूमरल्स. तो ए पार्ट, ये नंबर हमें गिवन है, ओके. तो पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं. वैल्यू कैसे निकलेगी इसकी, ये हम ऐड करेंगे, ओके. और क्योंकि इस वाले टर्म में ये एक्स एल से छोटा है, तो इसकी वैल्यू माइनस हो जाती है, एल माइनस एक्स हो जाएगा ये, राइट. तो यहां से लिख लेते हैं 10 + 10 + 5 + ये हो जाएगा 50 - 10, ओके. तो फाइनल जो वैल्यू आएगी, -10 और +10 कैंसिल हो जाएंगे, ये बन जाएगा हमारे पास 65. और 65 को रोमन नंबर्स में कैसे लिख सकते हैं, तो सबसे पहले आ जाएगा 65 को थोड़ा ब्रेक कर लें. कैसे ब्रेक करेंगे, 60 + 5, और 60 क्या बन जाएगा, 50 + 10 + 5, यानी कि 50 होगा L, 10 होगा X और 5 होगा V, यानी LXV. फाइनल आंसर होगा LXV, राइट. दिस इज द रोमन न्यूमरल फॉर ए पार्ट. लेट्स डू द बी पार्ट नाउ. बी पार्ट में हमसे पूछ रहे हैं ये, ओके. सो एल की वैल्यू कितनी होती है, 50, ओके. और यहाँ पे इस टर्म की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये एक्स कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 3 times, यानी ये बन जाएगा 30, और ये जो टर्म है ये क्या बनाएगा, 9, यानी कि वैल्यू हो गई 39, ओके. 50 - 39 = 11, और 11 हम रोमन नंबर्स में किस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से. सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर बी पार्ट, ओके. सो दिस वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ रोमन नंबर्स. आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा. अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, कोई डाउट रहता है, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा. ओके देन, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय.